गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम इस एक्सरसाइज है 1.3 क्लास 6। इस एक्सरसाइज में हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो राउंड ऑफ होता क्या है, और दूसरा फिर राउंड ऑफ के हिसाब से हम एस्टिमेटिंग वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब उसके आसपास की क्या वैल्यू होगी। जैसे इसमें राउंड ऑफ जैसे समझते हैं हम, मान लो हमें करना है, एग्जांपल है, फाइंड विच फ्लैग आज क्लोजर टू 260। 260 के आसपास, 260 के आसपास कौन सा फ्लैग है? ओब्वियसली 261। ऐसे कह रहा है कौन सा फ्लैग क्लोजर है 270। 270 के क्लोजर है 269। क्लियर। तो ये जो है इन्हीं को हम राउंड ऑफ कहते हैं, मतलब कोई भी फ्लैग अभी इसकी हमें राउंड ऑफ निकालनी है, तो जब उसका क्लोज़र हो जाएगा वो 260 के, और अगर हमें देखा जाए तो ये वाले फ्लैग किसके क्लोज़र है 270 के। इसी तरह 260 के क्लोज़र ये दोनों हो जाएंगे, 270 क्लोज़र हो जाएंगे ये दोनों। ऐसे में राउंड ऑफ में करना होता है, जैसे मान लो अब हमसे पूछा गया 410 नियरर टू 400 या 500, वो कह रहा है कि ये जो ये 410 है ये किसके नियरेस्ट है, किसके आसपास का नंबर, 400 के आसपास आता है या 500 के आसपास आता है। तो इसलिए हमें पता है ये सबसे नियरेस्ट किसके हैं, 400 के, तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। और इसी ये जो नंबर दिए होते फिर इसी के राउंड ऑफ से हम एक एस्टीमेट निकाल लेते हैं। जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ, इसका नियरेस्ट, ये किसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है 3000 के, तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। ऐसे ही 6404 किसके अप्रोक्स में है, किसके पास है, 6000 के, तो ये इसका हो गया नियरेस्ट। ऐसे ये इसके, ये इसके, इस तरीके से हम अलग अलग निकाल लेते हैं। फिर इसी से हम एस्टीमेट, इसे कहते हैं कि एस्टीमेट है, मतलब एस्टीमेट अप्रोक्स, लगभग इसके आसपास है। अगर एक्सरसाइज के पहले हम एग्जांपल क्लियर कर लिया करें तो हमें फिर सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी एक्सरसाइज से रिलेटेड। ऐसे हमने पता कर लिया, ऐड भी इसी तरीके से करना है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगा, इसका राउंड ऑफ है, इसके नियरेस्ट, ये इसके नियरेस्ट है, तो इसलिए इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एस्टिमेट करना है 4036। इसी तरीके से हम करेंगे बात प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में भी ऐसी सेम है, कोई भी नंबर होगा उसको हम नियरेस्ट का निकाल लेंगे, फिर उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एस्टिमेट मिल जाएगा कि एस्टिमेट उसके आसपास कितना है, उसको प्रोडक्ट कितने एस्टिमेट के आसपास आएगा। यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर ही दिया भी है 9 × 78 है, तो इसका हमने एस्टिमेट निकालने के लिए 19 हमें पता है किसके नियरेस्ट है 20 के, 78 किसके है 80 के, दोनों की मल्टीप्लाई करी 1600। और ये हमें पता है किसके आसपास होगा, ये 2000 के। तो इस तरीके से मैं एस्टिमेट करके, इस के राउंड ऑफ करके हम उसका एस्टिमेट निकाल लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज में देखते हैं, इसमें एस्टिमेट करना है यूजिंग जनरल रूल, इसमें प्लस करना है। तुम्हारे पास पहला सवाल है, क्लियर, इसका राउंड ऑफ क्या होगा, सेवन हंड्रेड, और ये किसके है 1000, तो ये हो जाएगा 1700। सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी करना है,
इसका राउंड ऑफ, इसका इन सब पे निकाल के फिर ऐसे इसका इसका ऐसे इसमें मल्टीप्लाई होगी, जहाँ पर बता चुका हूँ भी एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। थैंक यू।